हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज ISO 22000 2018 की सीरीज में हम बात करेंगे टर्म्स और डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, 7 या 8 टर्म्स डेफिनेशंस की बात होगी। आइए समझते हैं। लेवल ऑफ ए फूड सेफ्टी हजार्ड नॉट टू बी एक्सीडेड इन द एंड प्रोडक्ट। अब एंड प्रोडक्ट में जब हजार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो हम इसकी बात क्यों करें, इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई प्रोसेस है और प्रोसेस में इंटर रिलेटेड पार्ट होते हैं, कभी कोई प्रोसेस ऐड होता है, कभी कोई प्रोसेस ऐड होता है, और फाइनली जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो जब यहाँ पे कोई कंट्रोल मेजर होगा तो कंट्रोल मेजर उसको कंट्रोल करेगा। और वो कंट्रोल मेजर कैसा हो सकता है? कंट्रोल मेजर पीआरपी हो सकता है और कंट्रोल मेजर ओपीआरपी हो सकता है। ओपीआरपी में क्या होगा? ओपीआरपी में एक्शन क्राइटेरिया भी होगा। आगे इसको समझेंगे कि एक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। जब एक्शन क्राइटेरिया होगा तो इसका मतलब आप यहां से भी हजार्ड को कम करेंगे, या तो रिड्यूस करेंगे या फिर एलिमिनेट करेंगे। जब यहां से आपको हजार्ड को रिड्यूस और एलिमिनेशन का काम कर रहे हैं तो डेफिनेट बात है कि आगे प्रोसेस में जब प्रोडक्ट जाएगा तो वहां पे हजार्ड का लेवल कम होगा। और जब हजार्ड लेवल कम होगा तो फाइनल पॉइंट पे जाके आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी लगाएंगे, और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे जाके जो भी हजार्ड का लेवल होगा वो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो जब फाइनली आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा तो एंड प्रोडक्ट में किसके चांस नहीं है? एंड प्रोडक्ट में हजार्ड के चांस नहीं है। तो इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को बताया गया है कि फाइनली जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर देंगे, एंड प्रोडक्ट देख लेंगे, तो आपका एक्सेप्टेबल लेवल के हिसाब से एंड प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इनको ये टर्मिनोलॉजी इसलिए क्लियर करनी पड़ी क्योंकि इसके कोरिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस और भी हैं। तो इसीलिए इस बात को ऐसे समझना है कि फाइनल प्रोडक्ट में हजार्ड का कोई लेवल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसके कंट्रोल हैं, और वो ऐसे कंट्रोल हैं जिससे कि हजार्ड आगे जा ही नहीं सकता। आगे एक वीडियो देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, एक सीविंग प्रोसेस है। और यहां पे प्रोसेसिंग है। आपको इन दोनों वीडियो देख के पता चल रहा होगा कि एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसकी की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है, जैसे कि इस वीडियो में इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है। और प्रोडक्ट क्या है? वो एक आउटपुट है, एक प्रोसेस का आउटपुट है। और प्रोसेस क्या है? वो इंटर रिलेटेड और इंटरेक्टिंग जो एक्टिविटीज हैं उनको कन्वर्ट करता है आउटपुट में। क्योंकि प्रोसेस में जब कभी भी आप देखते हैं तो प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और उन बहुत सारी एक्टिविटीज होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो ये 7 या 8 डेफिनेशंस एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। अगर आप केवल एंड प्रोडक्ट को देखें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि प्रोडक्ट दैट विल अंडरगो नो फर्दर प्रोसेसिंग। अब उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब उसको फाइनली आप पैक करके रेडी टू ईट बनाने वाले हैं। अब जब कोई प्रोडक्ट रेडी टू ईट बन जाता है तो उसमें हजार्ड के एक्सेप्टेबल लेवल की बात नहीं हो सकती, और क्योंकि हजार्ड के कोई भी एक्सेप्टेबल लेवल की बात उसमें नहीं होगी, इसीलिए ये सारी चीजें जो कि प्रोडक्ट और प्रोसेस में आप देख रहे हैं ये उससे कोरिलेट हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आई थी एक्शन क्राइटेरिया।
मीजरेबल और ऑब्जर्वेबल स्पेसिफिकेशन फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ एन ओपीआरपी। अब क्योंकि ओपीआरपी को हम जानते हैं कि ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम होता है, और ओपीआरपी जब बनेगा तो डिफाइन करेंगे आप कि उसका क्या एक्शन लेंगे या उसके एक्शन का क्या क्राइटेरिया बनाएंगे। जब आप एक्शन के क्राइटेरिया बनाएंगे तो इसका मतलब कि आप हजार्ड को मान के चलते हैं कि उस लेवल पे वो या तो रिड्यूस हो जाएगा और या फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये आप कंसिडरेशन रिस्क असेसमेंट में करते हैं। जब रिस्क असेसमेंट में आपने इसको रिड्यूस या एलिमिनेट कर दिया तो ओपीआरपी पे ही आप बहुत सारे हजार्ड को, और बोले तो मैक्सिमम हजार्ड को आप खत्म कर देंगे। जब मैक्सिमम हजार्ड आपका खत्म हो जाएगा तो यहीं पे आपका प्रोडक्ट सेफ बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये कंबाइंड है एक्शन क्राइटेरिया, किससे कंबाइंड है? ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम से। आप एक एग्जांपल से इसको भी अगर चाहें तो यहां पे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट आपको बनाना है, बिस्किट, और बिस्किट के लिए आपको किसकी जरूरत है? इंग्रेडिएंट की। आपने इंग्रेडिएंट को प्रॉपर वेंडर से मंगाया जो कि अप्रूव्ड वेंडर है। तो अप्रूव्ड वेंडर जब आपको देगा, सपोज कीजिए उसने व्हीट फ्लोर आपको दिया, जब अप्रूव्ड वेंडर आपको व्हीट फ्लोर देगा तो वो आपके जो लिमिट्स होंगी, जो पैरामीटर होंगे, उनके हिसाब से उसको भेजेगा। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी फिर सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग करने के बाद में आपके टेस्टिंग पैरामीटर्स होंगे, उनके बाद वो ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद में आप उसको फर्दर जब प्रोसेस में स्टोर करेंगे तो वहां से आप उसकी लॉट आइडेंटिफिकेशन करके आप उसको यूज करेंगे। जब आप उसको यूज करेंगे तो प्रोसेस में उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को आप टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट कर लेंगे तो फाइनली आप पाएंगे कि ये ठीक है, आपके पैरामीटर में ओके है। यहां तक वो पीआरपी के रूल्स को फॉलो करता आया है और ओपीआरपी के रूल को भी। फर्दर जाने के बाद में आपको ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम और मिलेंगे, वहां पे जाके हजार और खत्म हो जाएगा, और लास्ट में जाके जब प्रोडक्ट प्रोसेस के थ्रू होके जाएगा तो वो सीसीपी पे जाएगा, वहां बाकी जितने भी बचे हजार हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि एंड प्रोडक्ट आपका एकदम सेफ मिलेगा। और यहीं से कोरिलेट जो बात हमने पहले आपको बताई थी कि एक्सेप्टेबल लेवल आपको करना है, तो एक्सेप्टेबल लेवल आपको किसका करना है? एक्सेप्टेबल लेवल आपको हजार्ड का करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट मिले हैं और आपने उसको कंट्रोल किया है। यहां इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है मॉनिटरिंग की, कि आपकी मॉनिटरिंग अच्छी है कि नहीं है, जो कि इस वीडियो इस लाइन में दिखाया गया है। मॉनिटरिंग डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ ए सिस्टम, ए प्रोसेस और एन एक्टिविटी। हाँ, आपको यहां पे बताना है कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका प्रोसेस है और जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी में आप मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप इन सब लगाने के बाद भी मॉनिटरिंग अच्छा नहीं करेंगे तब कहीं ना कहीं जाके आपके प्रोडक्ट में डेविएशन होंगे, और तब अगर प्रोडक्ट डेविएट कर गया तो फिर क्या होगा? एंड प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, या जैसी आप क्वालिटी चाह रहे थे ऐसा नहीं मिलेगा, और फिर उसमें हजार्ड के आने की संभावना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन हमने स्टार्ट करी थी, आप कहीं ना कहीं देखें कि मॉनिटरिंग बहुत छोटी सी एक्टिविटी है और उस छोटी एक्टिविटी पे आके ही ये फुलफिलमेंट होता है। लास्ट में हम समझते हैं कि ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम, ये बेसिकली एक कंट्रोल मेजर है, एक कंट्रोल मेजर ही है, और उस कंट्रोल मेजर को आप कई अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन के कंट्रोल मेजर से भी बना सकते हैं। जैसे हमने बिस्किट के एक एग्जाम्पल की बात की थी, तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेट लगाते हैं, सपोज कीजिए आपको आयरन रिलेटेड कोई भी मटेरियल्स कैच करने हैं, पकड़ने हैं, तो आप मैग्नेट लगाते हैं, और कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो उनको कैच करने के लिए आप सीव लगाते हैं, एक छन्नी लगाते हैं। तो दोनों ही
एक कॉम्बिनेशन बना दिया दोनों कंट्रोल ने, अब ये कंट्रोल जो होगा आगे फर्दर सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड को कंट्रोल करेगा, और फूड सेफ्टी हजार्ड को जब ये कंट्रोल करेगा तो यहां पे भी आप जाके देखेंगे कि आपने प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को कंट्रोल किया, प्रोसेस को भी कंट्रोल किया और आपने प्रोडक्ट को भी कंट्रोल कर लिया, और जब प्रोडक्ट और प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया तो फाइनली आपने एंड प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लिया। तो यही इसका मतलब है कि आपने जो भी डेफिनेशंस देखी अभी यहां पे, उन डेफिनेशंस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड पार्ट हैं, चाहे चाहे वो एक्सेप्टेबल लेवल हो। किसका एक्सेप्टेबल लेवल हो? फूड सेफ्टी हजार्ड का, चाहे वो एंड प्रोडक्ट हो। देखिए सारी चीजें सारी बातें एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, एंड प्रोडक्ट से पहले वो प्रोडक्ट ही कहलाएगा, या फिर वो प्रोसेस हो, या एक्शन क्राइटेरिया हो ओपीआरपी का, या वो खुद ओपीआरपी हो, और या फाइनली वो मॉनिटरिंग हो। सभी में जाके आप अगर डेफिनेशन में ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी में जाके आपको लगेगा कि स्टार्टिंग करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद में आपको केवल और केवल आपको प्रोडक्ट को सेफ करना है। सारे स्टेप में निकलने के बाद आप केवल प्रोडक्ट सेफ करेंगे, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को बचा भी पाएंगे, सेफ प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट रहा, और आगे फिर